संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल एंड मदरसन सुमी वायरिंग बिजनेस आगे आने वाले 3 या 4 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू टारगेट यहाँ पे 36 बिलियन डॉलर का दे रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है जो कंपनी का रेवेन्यू अभी 8 बिलियन डॉलर का है वो 36 बिलियन डॉलर जा सकता है नेक्स्ट 2 to 3 years और ये 4 times होने का संभावना दिखाई दे रहा है यहाँ से। और कंपनी का ये भी कहना है जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां से कंपनी 25% का रेवेन्यू कमाएगा जो अभी मात्र 3% आपको दिखाई देगा। कंपनी के ऊपर जो टारगेट दिया जा रहा है संवर्धना के ऊपर वह है 110 रुपीज का। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि संवर्धना मदरसन एंड मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर जितना भी टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया जा रहा है जो आगे आने वाले 1 साल के अंदर अचीव हो सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सबसे पहले संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल की बात करते हैं। 11 नवंबर इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर एक टारगेट दिया जा रहा है वो है ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और टारगेट कितना दे रहे हैं 110 का जो 55% अपसाइड दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, यानी कि एक अच्छा खासा तेजी आप देख पाएंगे विद इन 1 year ऐसा ICICI सिक्योरिटीज का कहना है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। तो उसके पीछे का मेन 3 reason आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला रीजन है मार्जिन। रिसेंटली जो मार्जिन यहाँ पे दिखाया है वो है 7.7% का जो 160 बेसिस पॉइंट से अप दिखाई दे रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। इवन आपका ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो यहाँ पे वहां पे भी एक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन ये है जी कंपनी के जो मैन पावर कॉस्ट है वो वहां पे रिड्यूस हो चुका है। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो 180 बेसिस पॉइंट के द्वारा क्वार्टर टू क्वार्टर मैन पावर जो कॉस्ट है उसको कंपनी ने यहाँ पे कम किया है और जो कंपनी का बेस कॉस्ट है उसको कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। तो ये 3 कारण के चलते ये टारगेट दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टारगेट दिया गया है वो टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो संवर्धना मदरसन सुमी को लेके मोतीलाल ओसवाल को मानना है कि इस पर्टिकुलर शेयर को आप बाय कीजिए और विद इन 1 year 95 तक जा सकता है जो 35% अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर। उसके पीछे 2 reason मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे जताया है। पहला रीजन है 2025 का जो टारगेट यहाँ पे सेट करके रखा है मैनेजमेंट ने जो 36 बिलियन डॉलर का है वो अचीव हो पाता है तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, इसके चलते ये टारगेट दिया गया है। और दूसरा टारगेट है न्यू बिजनेस के अंदर जो एंट्री मदरसन सुमी यहाँ पे मार रहा है उसके लिए ये टारगेट दिया जा रहा है। नया सेगमेंट क्या है, बहुत सारा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेन है एरोस्पेस और साथ ही साथ मेडिकल केयर के अंदर भी कंपनी बहुत सारा मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रहे हैं जहां पे रेवेन्यू स्ट्रीम खोलेगा तो नेक्स्ट 3 to 4 years अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने का चांसेस संवर्धना मदरसन सुमी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कारण के चलते 95 का ये टारगेट कंपनी ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे दे रहे हैं। तीसरा टारगेट यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज ने है जो पहले दिया था उसको मॉडिफाई किया है और उसका कहना है कि जो 110 का जो टारगेट है ये अचीव होने का चांसेस कंपनी को ब्रोकरेज फर्म को अभी भी दिखाई दे रहा है जिसका पोटेंशियल कितना है 55% तक। तो एक अच्छा खासा रैली आने का चांसेस दिखाई दे रहा है ICICI सिक्योरिटीज का ऐसा कहना है। उसके पीछे का करीब करीब सेम रीजन आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी का नॉन ऑटो सेगमेंट है जो ऑटो सेगमेंट से करीब करीब 96 to 97% रेवेन्यू अभी कमाता है संवर्धना मदरसन सुमी की मैं बात कर रहा हूं। उसमें से आपका जो 3% ही रेवेन्यू ऐसा है जो नॉन ऑटो सेगमेंट से कंपनी यहाँ पे कमाता है और यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि 2025 या 26 आते आते ये जो नॉन ऑटो सेगमेंट है यहाँ से 25% तक रेवेन्यू आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो ये जो जर्नी है नेक्स्ट 3 to 4 years ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मदरसन सुमी के लिए। तो इसी कारण के चलते 110 का टारगेट संवर्धना मदरसन सुमी के ऊपर ICICI सिक्योरिटीज दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर मदरसन सुमी वायरिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे एक लेटेस्ट जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो दे रहा है ICICI डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। और मदरसन सुमी वायरिंग बिजनेस यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस को लेके कंपनी का कहना है कि ये जो टारगेट है ये 75 तक जा सकता है और ये टारगेट करीब करीब 23% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है विद इन 1 year यानी कि 1 साल के अंदर 75 तक ये जा सकता है ऐसा ICICI डायरेक्ट ब्रोकरेज फर्म का कहना है।
तो ये हो गया मदर्स एंड सुमी वायरिंग बिजनेस के लेके एक टारगेट। अगर संवर्धन मदर्स एंड सुमी यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है, यानी कि कंपनी का जो आउट ऑफ इंडिया बिजनेस है, तो पिछले कई सालों से कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। जहां पे 2011 में कंपनी का रेवेन्यू 8000 करोड़ का होता था, वो 70000 करोड़ तक पहुंच गया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, 2026 आते आते ये 2,40,000-50,000 करोड़ तक जा सकता है। तो अगर पिछले 10 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को 10 गुना कर सकता है, तो आगे आने वाले 4-5 साल में क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कंपनी ने यहाँ पे बढ़ाया है, वो आप डिटेल्स में जाके देख पाएंगे। पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो मदर्स एंड सुमी के ऊपर बनाया था, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि 5 साल का क्या क्या टारगेट मदर्स एंड सुमी ने सेट करके रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मदर्स एंड सुमी हमेशा 5 साल का रेवेन्यू आपका जो टारगेट है उसको फिक्स करके उसको कंप्लीट करने का कोशिश यहाँ पे हमेशा करते हैं, और हमेशा मदर्स एंड सुमी 80-90% इसको अचीव भी कर पाता है। तो कंपनी का रेवेन्यू 2,40,000 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मदर्स एंड सुमी के अंदर साथ ही साथ इसका शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यू आपका कर्जे की बात भी कर लेते हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मदर्स एंड सुमी यानी कि संवर्धना मदर्स एंड सुमी के ऊपर 14,000 करोड़ का एक कर्जा भी मौजूद है, जिसके लिए कंपनी को क्वार्टरली 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एज अ इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास है, और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा 14,000 करोड़ का है। हालांकि कंपनी के पास कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कमाता है, लेकिन ये कर्जा है, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ और एक न्यूज भी है, जो मदर्स एंड सुमी के शेयर के अंदर मार्च 2022 में प्रोमोटर्स का शेयर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो अगर आप मदर्स एंड सुमी शेयर के अंदर डोमेस्टिक या आउट ऑफ इंडिया निवेश करने वाला है, तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पे वेडिंग बिजनेस संभालता है, और आउट ऑफ डोमेस्टिक यानी कि जो संवर्धना मदर्स एंड सुमी है वो बाकी सारे बिजनेस को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।